डिस्क्रिप्शन ऑफ द टी रेशियोज जो है वो हमें उसमें पावर्स में गिवन होंगी, और एज आई हैव टोल्ड यू कि हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते टी रेशियो में, अगर हमें पावर गिवन है हम डायरेक्ट पावर फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो इसको हमें समहाउ जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें आपके जो प्लस वन वाले हैं फॉर्मूले दैट विल ऑल्सो बी यूज, तो साइड बाई साइड में आपको बताती जाऊंगी, आपके रिकॉल हो जाएंगे। लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग इज साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इंटीग्रेट साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब साइन स्क्वायर जो है इसका हमारे पास अगेन जो है डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये हमने फॉर्मूला प्लस 2 में किया हुआ है, उससे डिराइव हुआ है आपका cos 2 थीटा हुआ है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो अगर हमें sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, cos 2 थीटा और sin स्क्वायर थीटा की पोजीशंस इंटरचेंज कर दी, sin स्क्वायर थीटा के आगे जो 2 था वो डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लो। sin स्क्वायर थीटा के लिए आपका फॉर्मूला ये होता है, cos स्क्वायर के लिए यहां पे प्लस आता है। आप चाहो तो उनको अपने बुक में उस टॉप पे स्पेस है वहां पर sin square theta equal to 1 minus cos 2 theta by 2 and cos square theta is 1 plus cos 2 theta by 2। यहाँ जो एंगल होता है आपका cos में उसका डबल हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास है sin square 2x plus 5। बेटे अगर बोर्ड ब्लर हो गया ना तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्लर अपीयर हो रहा है। Is it fine? Is the board clear, बेटे? Or is it? Yes, ma'am. Okay, thank you. So, अब हम क्या करेंगे? Sine square को हमने convert करना है 1 minus cos twice of the angle by 2. Angle यहाँ पे हमारा क्या है? This is 2x plus 5. अब इसको आप change कर लोगे। Sin square 2x plus 5 में जब मुझे इसको convert करना है, तो 1 minus cos 2 theta का मैं formula लगाऊंगी। This is 1 minus cos double of the angle. Angle हमारे पास क्या है? 2x plus 5, इसका double कर लोगे, तो this will be 4x plus 10 upon में 2 into मेरे पास ये बन गया 1 माइनस cos 4x प्लस 10 बाय 2 d। अब हमने क्या करना है? इनको a, उससे पहले हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं। ये बन गया आपका हाफ माइनस हाफ ऑफ cos 4x प्लस 10। अब कल हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे जब cos के साथ या sin के साथ में हमें लीनियर फॉर्म में गिवन है, तो इसको हम t पुट करके करते हैं। तो 4x प्लस 10 है, आप पी पुट करोगे, तो यू विल बी हैविंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, 4dx इज इक्वल टू dt, यानी कि dx इज 1 बाय 4 ऑफ dt। तो ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेट हाफ ऑफ dx माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x plus 10 को हमने t पुट किया, तो ये हो गया आपका t, और dx की जगह पे आ जाएगा 1 बाय 4 dt। तो दिस इज बाय 4, ये वाला 4 मैं यहाँ से हटा के इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो दिस विल बिकम माइनस 1 बाय 8 cos t। अब हमने क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है। cos का जो इंटीग्रल है दैट इज sin, क्योंकि sin का इंटीग्रल होता है cos, sin का डेरिवेटिव होता है cos, और हाफ cos में है 1 आ गया, 1 का इंटीग्रल इज x, सो दिस इज x बाय 2 माइनस 1 बाय 8 आपका एज इट इज आ जाएगा, और cos आपका कन्वर्ट हो जाएगा sin में, तो दिस इज sin t अपॉन 8 प्लस c। t की ये वैल्यू आप रिप्लेस कर दोगे, सो यू विल बी हैविंग x by 2 माइनस sin 4x प्लस 10 अपॉन 8 प्लस c, सो दिस विल बी योर
आंसर. x by 2 minus sin 4x plus 10 by 8 plus 6. So simply हमने क्या करना है, sin square को सबसे पहले हम convert करेंगे, formula लगा के 1 minus cos double of the angle by 2. एंगल हमें यहाँ पे 2x plus 5 given था, उसका डबल हो गया 4x plus 10. हमने terms को अलग अलग करके लिख लिया, cos में क्योंकि linear के साथ था एंगल हमारा, 4x plus 10 को हमने t put किया, डिफ्रेंशिएट करके हमने dx की वैल्यू निकाल ली, dx आ गया हमारा 1 by 4 dt. यहाँ पे हमने रिप्लेसमेंट की, cos 4x plus 10 t से रिप्लेस हो गया, dx dt by 4 से रिप्लेस हुआ ये वाला 2, और जो 4 था इसका डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 8 आ गया. सो दिस इज 8 हो गया. तो cos t का आपका जो है इंटीग्रल आ गया माइनस sin t by 8 plus c, t को आपने रिप्लेस किया एंड यू हैव गॉट योर आंसर. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1. Now moving on to question number 2. Question number 2 may be are having just a moment.